सिंधु हमारे साथ मौजूद है। सिंधु, ये बताएं कि हर दिन कोई ना कोई इंसिडेंट, हर दिन कोई ना कोई वाकया, ये सिंध कहाँ जा रही है? सिंध के लोग सूफियत का दावा करते हैं, लेकिन सिंध के लोग अभी जा कहाँ रहे? क्या कहना चाहेंगी इस हवाले से? देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि सिंध गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट जो करोड़ों और अरबों रुपए की करप्शन कर रही थी इस नाम पे कि हम आपकी सिक्योरिटी कर रहे हैं, हम कराची में अमन ला रहे हैं, तो जो किडनैपिंग हुई है दुआ मंगी की, ये मैं समझती हूँ कि उनके मुंह पे तमाचा है। उनको ये बताती है किडनैपिंग कि आप अभी तक कुछ भी नहीं कर रहे थे, आप सिर्फ हमें बहाने बना रहे थे, आप जो है हमसे झूठ बोल रहे थे, लेकिन आप लोग हम लड़कियों की, हम औरतों की सिक्योरिटी नहीं कर रहे। हम जब घर से बाहर निकलते हैं तो हमें ये डर और खौफ होता है कि यार हमें कुछ, हमारे साथ कुछ हो ना जाए। हमें नहीं पता होगा कि जहाँ पर 2 साल की बच्ची सिक्योर नहीं है, जहाँ पर आप 10 साल की बच्ची को संसार करते हैं, पत्थर मार के उनको मार देते हैं ओनर किलिंग पे, उस बच्ची को क्या पता ओनर किलिंग का। तो मैं समझती हूँ ये जो भी वाकयात हैं ये बताते हैं कि हमारी जो सिस्टम है, हमारी जो रियासत है, जो माँ की जैसी होती है, वो एक नाकाम रियासत है, जिनको जो हमारी सिक्योरिटी बिल्कुल भी नहीं कर रहे। और हमें अब अपनी सिक्योरिटी लगता है खुद करनी होगी। हमारे घर वाले, जब हम घर से औरतें निकलती हैं तो हमें 10 कॉलें आती हैं, हमारी अम्मियाँ, हमारे वालदेन हमें 10 कॉल करते हैं कि बच्चे आप कहाँ पे हो, आप सही हो कि नहीं हो। ये है हमारी रियासत जो माँ के जैसी होती है। तो हम उनको बताना चाहते हैं कि दुआ मंगी की जो किडनैपिंग है वो आपके मुंह पे लानत है, आपके मुंह पे एक तमाचा है कि आप ये हमारी सिक्योरिटी कर रहे हैं, आप अभी तक हमसे सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रहे थे। और अगर ये जल्द से जल्द दुआ मंगी वापस नहीं आती तो हम इस जो ये एहतजाज है इनका दायरा ऑब्वियसली बढ़ाएंगे, और जो है हमारे जो हाथ होंगे वो इन ऐवानों के, जो ये बदमाश और गुंडे जो हमारे ऐवानों में बैठे हैं उनके गलों में होंगे, क्योंकि वो हमारी सिक्योरिटी नहीं कर रहे, वो सिर्फ और सिर्फ करप्शन कर रहे हैं। अच्छा, DHA में जहाँ हर जगह पे CCTV कैमरा का जाल बिछा हुआ है, वहाँ पे एक लड़की का किडनैप हो जाना समझ से बालातर है, इशारा किस तरफ जाता है? क्या कहेंगे इस हवाले से आप? देखिए, उससे पहले तो सोचने की बात ये है कि डिफेंस में, आम दिनों में आप देखिए आम शहरी को किस तरह से जलील करते हैं, उनको स्नैप चेकिंग के नाम पे उनको तजलील की जाती है, उनकी चेकिंग करते हैं प्रॉपर तरीके से, पर जब इतना बड़ा वाकया हो गया तो उनको पता तक नहीं चला, ये कैसे मुमकिन है? तो हमें तो लगता है जिन्होंने ये काम किया है, या तो उनके इतने बड़े हाथ हैं कि पुलिस कुछ भी नहीं कर पा रही, या तो जो भी है, हम समझते हैं जो भी है, लेकिन जल्द से जल्द जो दुआ मंगी है उनको वापस आने चाहिए, क्योंकि उनके घर वाले बहुत ज्यादा परेशान हैं। उनको एटलीस्ट ये बात का पता होना चाहिए कि यार हम यहाँ अपने वतन में रहते हैं, अपने मुल्क में रहते हैं, और इसकी जिम्मेदारी जो है स्टेट की है, हमारी सिक्योरिटी की, वो टैक्स हम पे करते हैं, सिक्योरिटी के लिए ही तो करते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि वो फेल हो चुकी है गवर्नमेंट हमें सिक्योर करने में।